दोस्तों 2005 से स्थापित YouTube ने एक लंबा सफर तय किया है और ये लगातार विकसित हो ही रहा है। अगले 5 वर्षों में इससे क्या उम्मीद कर सकते हैं, तो आइए गहराई से देखें और पता लगाएं कि इस प्लेटफॉर्म का भविष्य क्या है। YouTube का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म शॉर्ट फॉर्म वीडियो है, जिसका बड़ा ही क्रेज है। YouTube शॉर्ट्स की शुरुआत के साथ निर्माता अब 60 सेकंड या उससे कम समय के वीडियो बनाकर उसे साझा कर सकते हैं। इससे भी शानदार बात यह है कि शॉर्ट्स बनाना बहुत ही आसान है। अगले 5 वर्षों में क्रिएटर्स इसका भरपूर उपयोग करते हुए अधिक से अधिक दर्शकों को जोड़ेंगे, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। महामारी के समय लोगों को घर पर रहने के लिए मजबूर होने पर क्रिएटर्स ने वास्तविक समय में अपने दर्शकों से जुड़ने के लिए लाइव स्ट्रीमिंग की ओर कदम बढ़ाए थे, मगर वो भी समय के साथ बंद हो गया। अगले 5 वर्षों में हम इस क्षेत्र में और भी अधिक वृद्धि देखने की उम्मीद कर सकते हैं, जिसमें निर्माता प्रश्नोत्तर सत्र, प्रोडक्ट लॉन्च, लाइव क्रिकेट मैच और यहाँ तक कि आभासी घटनाओं की मेजबानी के लिए लाइव स्ट्रीमिंग का उपयोग करेंगे। YouTube हमेशा से एक ऐसा मंच रहा है जो कम्युनिटी पर केंद्रित है। इसमें अचानक परिवर्तन भी नहीं होने वाले हैं। वास्तव में हम अगले 5 वर्षों में YouTube द्वारा कम्युनिटी पर और भी अधिक जोर देखने की उम्मीद कर सकते हैं। क्रिएटर्स विश्वसनीय फॉलोवर्स बनाना जारी रखेंगे और टिप्पणियों, लाइव चैट और सोशल मीडिया के माध्यम से अपने दर्शकों से जुड़े रहेंगे। निकट भविष्य में YouTube संभवतः नई सुविधाएं भी पेश करेगा, जो क्रिएटर्स के लिए अपने प्रशंसकों से जुड़ना और उनकी सामग्री के साथ एक बेहतर रिश्ता बनाना आसान बना देगा। जैसे जैसे YouTube का विकास जारी है, हम अधिक से अधिक विशिष्ट सामग्री उभरने की उम्मीद कर सकते हैं। निर्माता छोटे हैं, लेकिन जुड़े हुए दर्शकों की जरूरतों को अत्यधिक पूरा करते हुए विशिष्ट विषयों और रुचियों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ये कार्य पहले से ही हो रहा है, जिसमें बुनाई से लेकर वीडियो गेम तक हर चीज के लिए समर्पित चैनल है। अगले 5 वर्षों में हम और भी अधिक विशिष्ट सामग्री उभरने की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि निर्माता उन दर्शकों से जुड़ने के लिए और भी नए तरीके खोजते हैं, जो कि अपने आप में एक जिज्ञासा भरी भावना को दर्शाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं।